बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। मनीष कश्यप ऑपरेशन तमिलनाडु का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु मामले में बिहार पुलिस एक्शन में है। बिहार पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद ऑपरेशन तमिलनाडु के पीछे का सच सामने आ गया है। इस मामले का मास्टरमाइंड मनीष कश्यप को बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि इस खेल में बिहार के 87 यूट्यूबर शामिल थे, जो खुद मजदूर बनकर चैनलों पर घूम घूम कर झूठ बोल रहे थे। पुलिस ने जब जांच की तो पाया कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हमले का दावा फेक है। और कोई भी वीडियो या खबर इसको हत्या से अगर लिंक करता है तो पूरी तरीके से भ्रामक है। मेरी आप सभी से अपील है कि इसको आगे न चलाए और न इस पर विश्वास करें। धन्यवाद। पुलिस की जांच में ये पता चला है कि मनीष कश्यप के बैंक खाते में पिछले एक महीने के दौरान कई तरह के इलीगल ट्रांजैक्शन हुए हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने उसके खाते को फ्रीज करने की तैयारी शुरू कर दी है। ये पहला मौका है जब मनीष कश्यप के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है। इससे पहले 2019 में भी उस पर दो मुकदमे दर्ज हुए थे और उसकी गिरफ्तारी भी हुई थी।